वेलकम टू कमल्स किचन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कमल्स किचन। आज जैसा कि आप ये देख रहे हैं, आज जैसे थाई कुकिंग काफ़ी कुकिंग कर चुकी हूँ, तो आज मैंने सोचा कि आज आपको थाई चिराशा सॉस बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने जो है, वैसे थाई चिलीज भी मिलती हैं यहाँ ड्राई, और अपनी आप रेड क्रश पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने रेड क्रश पेपर जो है वो 2 टेबलस्पून शामिल की हैं, और हेलोपेनो पेपर रेड कलर की, ये वाला, ये पूरा इसका टिन है। इसमें कितने ग्राम हैं, ये जलपेनो पेपर है, ये 240 ग्राम है, ये येलो पेन पेपर। इसमें विनेगर शामिल है, तो विनेगर मैं वैसे भी 4 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी, और ये थाई रेड चिलीज थी, तो ये भी जो है थाई रेड चिलीज, ये 227 ग्राम इतना बन जाती है। ये है थाई रेड चिलीज, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये थाई रेड चिलीज ही हैं, विनेगर में ये शामिल होती हैं। इन दोनों टिन्स को मैंने यूज़ किया है, और वैसे आप रेड क्रश पेपर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। रेड क्रश पेपर भी मैंने 2 टेबलस्पून के अलावा इनमें, ये अभी ये 25 cloves ऑफ गार्लिक है, 2 pods ऑफ गार्लिक, ये भी मैं अभी इसमें शामिल करूंगी। और इसके अलावा आप वैसे आम शुगर, वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये केन शुगर है, ब्राउन पाउडर, प्योर केन शुगर है, तो ये तकरीबन 4 टेबलस्पून 1/4 cup जाएगा इसमें। और आप चाहें तो इसमें मैं वैसे 2 टेबलस्पून वाइट शुगर भी, जो रेगुलर शुगर है, कैस्टर शुगर, वो भी डालूंगी, और विनेगर होगा, और ये तो, और सॉल्ट होगा 1 teaspoon सॉल्ट, आपने देख के डालना है। तो आइए अब शुरू करते हैं इसमें, इसको अभी ये जो क्लोव है, ये जो गार्लिक क्लोव है, ये अभी मैं इसको काट के, ये इसमें इसको काट के, और लेट सिमर फॉर 15 to 20 minutes। अभी हम इसको सिमर करेंगे। ये 25 cloves जो गार्लिक थे, lots of गार्लिक, आई लव ये गार्लिक शामिल करना, मुझे सॉसेज में इसमें अच्छा लगता है। तो टुडे आई मेड होम मेड सिराशा सॉस, जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी आपको बताऊं, आपको सिखाऊं। तो अभी इसको हम ये, आप ज़्यादा मतलब अगर मार्केट में आपको थाई चिलीज नहीं मिल रही है, ये तो यहाँ पे, या जेलोपेनो पेपर का अगर आप, वैसे तो नहीं मिलती है, लेकिन ये इस तरह कैन में मिल जाती है, तो आप सिंपल जो हमारी रेड चिलीज है, रेड बटन रेड चिलीज, उसको भी आप क्रश करके उससे भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए थाई चिलीज या ये हेलोपेनो पेपर आप यूज करें। ये हमारी अपनी जो लाल मिर्चें हैं, और जो सूखी लाल मिर्चें भी जो तेज़ वो आती हैं, तो ये आप उससे भी डाल सकते हैं, और इसमें आप रेड पेपर पाउडर से भी तेज इसको कर सकते हैं। अभी हम इसको बाद में चखेंगे इसका जायका कैसा आ रहा है, तो उसके मुताबिक मैं और इसमें जो है चीज़ें शामिल करूँगी। ये देखें, सिमर करने रखो, फ्लेम ऑन कर दिया है, 15 मिनट्स तक इसको पकाना है। एंड ऑल्सो आई एड मोर, वैसे तो इसमें विनेगर इन मिर्चों में शामिल था, जो हमने ये जो यूज़ किए हैं ना दोनों, ये इसमें विनेगर शामिल था, लेकिन मैं वैसे भी इसमें विनेगर जो है 4 टेबलस्पून वैसे भी मैं शामिल कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4 4 टेबलस्पून विनेगर हो गया इसमें। ये हमने शामिल कर लिया, एंड मेरे पास कुछ थाई रेड चिली पेस्ट भी पड़ा हुआ था, तो मैं ये भी डाल दूंगी इसमें। और इसके अलावा मैंने वो रेड क्रश पेपर तो अपनी वाली भी डाली तो है इसमें, ताकि देखेंगे हम, फिर आपको दिखाऊंगी कलर कैसा आया है। फिर इसको तो करके ब्लेंड करेंगे, जब ये 15 मिनट बाद सिमर ये हो जाएंगी मिर्चें, फिर इनको हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है।
और फिर इसको हम सीव में छान के और फिर हम इसको यूज करेंगे। देखिए हो रहा है, तीन मिनट्स तक इसको हमने सिमर करना है। इतना है, आप इतना विनेगर शामिल करें कि ये देखें, ये इसमें ये डूब जाए विनेगर में थोड़ा सा। आप वैसे अगर आप इसमें विनेगर के बगैर तो वन कप, हाफ कप से वन कप आप विनेगर इस तरह हो जाए, इस तरह आपने शामिल करना है इसमें विनेगर। और सॉल्ट और शुगर हम बाद में डालेंगे, जब ये हम इसको ब्लेंड कर लेंगे ना तो फिर हम तब डालेंगे। ये अभी देखें सिमर हो रहा है, डेट सिमर। अभी 15 मिनट तक देखते हैं, ये हमारी सॉस अभी तैयार हो रही है, इसमें से ये अच्छी तरह से सिमर हो जाए, जो गार्लिक है हमारा वो भी थोड़ा सा कुक हो जाए, और जो हमारी जो रेड पेपर्स हैं ये भी कुक हो जाए। सिट्रिक एसिड यूज कर रही हूँ थोड़ा सा, 1 टीस्पून के करीब टार्टरिक का पाउडर डाला है, और हम इसमें से 1 टेबल स्पून आप इसमें पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, इसमें 2 टेबल स्पून डालें कलर अच्छा करने के लिए। कलर अच्छा करने के लिए ही मैंने इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर भी डाल दिया। पेपरिका पाउडर 1.5 ये मैंने सिट्रिक एसिड डाला, अभी 15 मिनट अभी हो रहा है, ये देखें बस ये हो जाए तो फिर इसको मैंने ब्लेंडर में इसको पीसना है, बस थोड़ा सा ही हो गया है। और ये देखें जो सॉस भी जो है ये जो है ये अच्छा, ये देखें अब ये हो गया, ये हो गया तो अब ये मैं इसको पीसने लगी हूँ इस ब्लेंडर से, आप चाहे हैंड ब्लेंडर से या फिर इस तरह इसको आप पीस सकते हैं, तो ये अभी मैं इसको पीसूंगी। अच्छी तरह पीस जाए,
तो वो आप एक इसको दो तीन दफा और पीस सकते हैं। अभी थोड़ा सा है इसमें, देखे हैं मैंने पूरी तरह से पीसा नहीं। हेलोपिनो पेपर से यूज करनी है आप सिंपल रेड क्रश स्पेशल, ये रेड क्रश जो अपने हमारी पेपर्स हैं या बटन रेड चिलीज हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये पेपरिका पाउडर से काफी अच्छा कलर भी आया है, देखें रियल जो सराचा सॉस जो बाजार में मिलती है अच्छा है। आप होम मेड बनाएंगे इसमें तो होता है कि ज्यादा इसमें सिरका भी डला हुआ है तो ये काफी अर्सा चलेगी, बहुत अच्छा। काफी मैंने इसको कर लिया, स्ट्रेन हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो चीजें हमने और डालनी है वो 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डालना है, ये 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 4 टेबलस्पून आप इसमें हम ये डाल सकते हैं व्हाइट शुगर भी, और ये मैं ब्राउन शुगर लाइट जो है वो मैं डाल रही थी, 1, 2, 3 और ये 4, ये ब्राउन पाउडर ब्राउन प्योर केन शुगर है। तो ये देखिए तो मिक्स करेंगे और मैं इसमें 2 टेबलस्पून व्हाइट शुगर भी डाल, या तो ऐसे प्रेशर कुकर से। अच्छा
ये इसमें मैंने ब्राउन शुगर, सॉल्ट और ये थोड़ी सी वाइट शुगर डाली है 1 टेबल स्पून। और अब हम इसको थोड़ा सा देर और पकाते हैं, शुगर मेल्ट होने तक पकाना है बस इसको। और फिर हम इसमें आपको वाटर जो इसकी 8 लाइट जार में हम डालेंगे महसूस करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। बस इसको शुगर मेल्ट होने तक मेड सिराचा सॉस तैयार हो गई है बिल्कुल। और ये देखें एयरटाइट जार में भी रख दी है। प्लीज शेयर माई रेसिपी विद योर फैमिली एंड फ्रेंड, प्लीज हिट दी नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको रेसिपीज मेरी सबसे जल्दी मिले। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट बिलो।